हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुज। स्वागत करता हूँ आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रियल स्कूल पे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े हर इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आज के हमारे इस पहले वीडियो में हम देखेंगे रेलवेज़ के व्हील अरेंजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली भारतीय रेलवेज़ में हमें दो टाइप की व्हील अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। एक है बोबो और एक है कोको। तो बात करें कोको व्हील अरेंजमेंट की, तो ये WDM3D, WAP7, WAP4, WCAM3 ऐसे कई लोकोमोटिव में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये स्पीड में तो कोई मददगार नहीं रहते, लेकिन लोकोमोटिव को पावर बहुत देते हैं। हालांकि स्पीड भी थोड़ी पार दे ही देते हैं, लेकिन ये पावर खींचने को ज़्यादा सक्षम रहते हैं। तो इनका लोकोमोटिव ज़्यादा से ज़्यादा कोच खींचने वाली ट्रेनों में किया जाता है, जैसे कि मालगाड़ी वगैरह में। बात करें बोबो व्हील अरेंजमेंट की, तो ये सिर्फ स्पीड देने के काबिल रहती है। हालांकि इनसे लोड वगैरह कुछ ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि जो ऑरेंज सर्कल किया गया है वो है कोको व्हील अरेंजमेंट, यानी एक बोगी को 6 व्हील 3 एक्सल। तो इस प्रकार से आप देखा इन्होंने यहाँ कि कोको अरेंजमेंट क्या है। तो अगले डायग्राम में आप देखेंगे बोबो अरेंजमेंट। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप एक बोगी में 4 व्हील लगे हुए और 2 एक्सल लगे हुए हैं, तो जिससे कि लोकोमोटिव को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिलती है, पर हालांकि वो लोड खींचने के काबिल नहीं बन सकता। तो बस यही है कोको और बोबो व्हील अरेंजमेंट। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि कोको व्हील अरेंजमेंट क्या है और बोबो व्हील अरेंजमेंट क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।